तो आज के में इफ एल्स वगैरह हम चला के देखेंगे, इफ एल्स स्विच केस ये सारी चीजें देखेंगे। तो मैंने सब ले लिया प्रोसीजर। अब इसमें जैसे केस बेस्ड होता है, इफ इफ एल्स इफ आपको यूज करना आता है पूरी तरह से, इफ एल्स इफ आता है, सिलेक्ट केस आता है, सिलेक्ट तो सिलेक्ट वाला करते हैं। जैसे ये भी आपका इफ, जहाँ पे इफ की कंडीशन लंबी हो जाती है वहाँ आपका ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेंज है कोई, ठीक है, यहाँ नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग रेंज पे अलग अलग कलर देना है। जैसे मुझे देना है कि 10 से लेकर 20 तक, 10 से 20 तक येलो आ जाए, ठीक है। फिर 21 से 30 तक ग्रीन आ जाए, फिर आपका 30 से 40 तक आपका ब्लू आ जाए, 40 से 50 तक ऑरेंज आ जाए, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह से हैं जहाँ पे इफ़ की कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उस जगह इसका यूज़ होता है। अब मैं इनमें कलर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, इन रेंज पे A2 से A18 तक है। बाकी आपको मेथड पता है, एंड एक्सेल अप करके भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि रेंज यहाँ से A2 A65000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट, ठीक है। फिर रेंज में A2 ले लिया कॉमा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन सेकंड रेंज हो गया, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अब तो हमारे पास सिलेक्शन में पूरा पूरा आ गया। अब डिम आर एज रेंज फॉर ईच का तो पता ही है, आर इन सिलेक्शन, हालांकि बाद में भी क्लियर करूंगा मैं। तो सिलेक्शन में जितनी भी रेंज है वो एक एक करके इसके पास आएंगे। अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करानी है कि रेंज क्या है, तो हमारा यूज होगा सिलेक्ट आर करेंगे हम, और नीचे देंगे एंड सिलेक्ट, सिलेक्ट केस आर और एंड सिलेक्ट। तो क्या करेगा, आर को अपने अंदर ले लेगा ये। अब हमें इसको देना है आर हम दे देंगे 1 2, ये 10 से 20 ना, 10 to 20, और इक्वल टू इसको एक बार देख लेते हैं क्या सिंटैक्स होता है इसका सिलेक्ट केस का। सिलेक्ट केस VBA, तो इसको हमें देना है, यहाँ पे देना है कि जब आपका K
केस टेन टू ट्वेंटी हो, ठीक है, मतलब आर में 10 से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यू हो, तो इसके नीचे हम दे देंगे आर डॉट है, इफ भी बता देता हूँ पर पहले केस समझा देता हूँ, ठीक है। ये इसमें हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट केस आर कर लेते हैं, नीचे एंड सिलेक्ट, उसके बाद केस डिफाइन करते हैं। जैसे बिटवीन का नंबर है तो 10 to 20 करके आगा, तो मैं कर देता हूँ आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर वी बी येलो, ठीक है। उसके बाद केस 21 to 30, ठीक है। तो केस के नीचे नीचे जितना लिखते जाओगे ना, वो उस केस में अप्लाई होता जाएगा। यहाँ कर देता हूँ 21 से 30 ग्रीन, आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर वी बी ग्रीन। अभी फ़िलहाल ये दो को ही चला के दिखाता हूँ, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है केस एल्स, तो ऐसे मतलब कितने भी डिफाइन कर सकते हो आप केसेस। केस एल्स होता है कि ऊपर वाले किसी भी केस में ना पड़े तो क्या करना है। मैं कहा आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर, उसका आप कर दो वी बी सयान, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे, तो बाकी का इसने वो सियान कर दिया, बाकी ये देखो ग्रीन और येलो कर दिया, ठीक है। कौन सा देखो मुझे क्या करना होता है ना, देखो 65 वाला मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम गए ए 6500 पे या 65000 पे, फिर कंट्रोल के साथ अप प्रेस करते हैं ना लास्ट डेटा गेट करने के लिए, तो ए 18 पे जाके पहुंचा, ठीक है। तो सेकंड रेंज मिल गई मुझे, यहाँ से मुझे मिली ए 18, ए 2 मैंने पहले ही दे दिया था, 18 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करवाया था, तो यहाँ पे ए 2 कॉमा ए 18 अगर मैं दूंगा और सिलेक्ट कराऊंगा तो वो पूरे को सिलेक्ट कर लेगा ए 2 से लेकर ए 18 तक, ठीक है। ये एंड एक्सेल अप का मतलब है कंट्रोल अप, ऐसे ही एक्सेल टू लेफ्ट एक्सेल टू राइट भी होता है, एंड के साथ ही होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग को तो आदत है कंट्रोल से करने की, पर आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंड का बटन दबाता हूँ, एंड का बटन होता है ना, उसको दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाता है एंड मोड, ठीक है, देख रहा है। अब जैसे ही मैं कोई भी एरो की दबाऊंगा, मतलब एंड बटन दबा के छोड़ दिया, एंड मोड ऑन हो गया, एरो की दबाऊंगा वो सीधा का सीधा वही कंट्रोल अप वाला काम करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको, अब ये एंड मोड भी हट गया, इसीलिए इसको एंड से करा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे केस में आप, ये तो हो गया बिटवीन की 10 to 20, 21 to 30 और केस एल्स, ठीक है। और भी तरीके हैं इसमें केस डिफाइन करने के, मैं है? फॉर ईच हमने किया था, जैसे लूप चलाते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे तो हमारा सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, सारा का सारा, फिर आर एज रेंज डिफाइन किया जिसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, है ना, यही रेंज, ठीक है, कोई रेंज है ये। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन क्या करेगा, सिलेक्शन में से एक एक सेल उठाएगा और एक एक इसको देगा, ठीक है, आर को। पहले इसने दिया A2 पे काम हो रहा है, नेक्स्ट आर किया A3 पहुंच गया, तो इस तरह से ये लूप चलता जाएगा और सिलेक्शन में जैसे A18 तक है तो 18 तक ये एक एक सेल आर को देता जाएगा और उस पर आप काम कराते चलो, हाँ।
हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ साइड में लेके इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो हो कैसे रहा है, F8 से एक एक करके। तो पहले इसने क्या किया, 6500 से वहाँ पे आया, सिलेक्ट यहाँ कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसने F8 दबा रहा हूँ, A2 तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस सिलेक्ट के बाद फॉरिच से आया, अभी ये गया R के अंदर, क्या है पहले ये चेक करेगा 10 से 20 के अंदर है क्या। अभी A2 की बात हो रही है, एक एक सेल करके दे रहा है, क्योंकि R के अंदर अगर वैल्यू देखोगे तो 83 है, ठीक है। F8 21 से 30 में है क्या, नहीं है, तो K सेल्स में जो भी होगा उसको ये मान लेगा और उसको ये कर देगा। ठीक है, तो के सेल्स में जैसे ही मैंने एफेक्ट किया, ये कलर दे दिया, एंड सिलेक्ट नेक्स्ट आर। अब अगली सेल की बात हो रही है, ये देखो एक एक करके आ रहा है ना, तो समझ गए कैसे चलता है, ये भी एक तरह का लूप है। हाँ अब ये देखो 21 to 30 में, अब जो है 23 जो है 21 to 30 है ना, तो ये आर डॉट इंटीरियर ये चलेगा, ठीक है, ग्रीन दे गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका वो होता है, और पूरा छोड़ दूंगा तो ये कर जाएगा, ठीक है। तो इसके और भी तरीके होते हैं, क्योंकि अभी तो ये बिटवीन है, कई बार एक करेक्टर की बात होती है खाली। तो मैं कर देता हूँ कि केस, मैंने कहा कि केस अगर 45 हो, ठीक है, सिंगल देना है तो ऐसे ही, और आप कहोगे 45, 50, 55 हो, ऐसे भी दे सकते हैं कॉमा कॉमा करके, ठीक है। बेसिकली इसमें जो हम देख रहे थे, इसमें ये कोडिंग के तरीके लिखे हैं, 1 to 5, 6, 7, 8, 9, 10 के सेल्स, ठीक है। तो सिंगल सिंगल वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कहा 45, 50 और 55 के लिए जो होना चाहिए वो आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर होना चाहिए, VB ब्राउन होता है, नहीं होता, जब तक ये बी बड़ा नहीं हो जाता ये दूसरा करेक्टर, तब तक वो कलर होता नहीं है। VB रेड कर देते हैं, चलो यहाँ, ठीक है, 45, 50 उसमें हो गया। इसके बाद जैसे कि मैंने अब देना है कि इन सब के अलावा अगर केस इज, केस इज जब लगता है, जब लॉजिकल वैल्यू की बात होती है ग्रेटर देन लेस देन की, केस इज ग्रेटर देन 70, ठीक है, तो आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB, कौन सा कलर होता है, ब्लू दे देते हैं, ब्लू का ही नहीं दिया ना अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारे केसेस, ठीक है। अब चला के दिखाता हूँ एक एक करके, अब ये F8 करके चला रहा हूँ। 83 किसके अंदर पड़ेगा, ग्रेटर देन 70 के अंदर, कर गया, ठीक है। इन कंडीशन से जो बच जाएगा तभी वो आएगा, हाँ, इसमें नहीं है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह है, पर इफ एल्स से आसान है। इसके अंदर आप देख रहे हो कितनी सारी कंडीशन बड़े आसान तौर पे दी गई है ना। तो
जहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो और जो मुश्किल हो करना, तो हम यही यूज़ करते हैं। हाँ अभी अभी है नहीं ना, तो 45 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो केस मतलब यही है ना, इसी वैल्यू की बात हो रही है। केस आर, केस को हमने असाइन किया आर, तो केस की जो बात हो रही है वो आर की ही बात हो रही है। ज़्यादा आसान करने के लिए आर डॉट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। आर को चाहे वैसे करो रेंज को डायरेक्ट, या फिर आर डॉट वैल्यू लिखो, सेम है। अब इसमें करूँगा तो जहाँ पे ये देखो रेड आ गया 4550 के लिए, ठीक है। तो केस बेसिकली तीन तरह से काम करता है, एक आपका 10 to 20 बिटवीन केस के लिए, एक आपका एक एक वैल्यू के लिए, आप कॉमा सेपरेट करके देख सकते हो या एक वैल्यू, और केसेस जो भी है ग्रेटर देन लेस देन करना हो, क्योंकि इक्वल टू नहीं करते, इक्वल टू का काम हमारा ये कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ होता है एल्स केस आपका यहाँ पे चलेगा। इसके अंदर दो लाइन तीन लाइन कितनी भी हो सकती हैं, ये सिलेक्ट से स्टार्ट होगा और एंड सिलेक्ट पे क्लोज होगा, ठीक है। यही काम आप इफ के जरिए कराओ तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, एंड और दुनिया भर के ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आर जैसे लूप होता है ना आपका, डू वाइल हमने किया था ना, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, हाँ। अच्छा, चलो 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 कोई नहीं, यहाँ पे लूप मेरा कंस्ट्रेंट नहीं था। लूप तो मैं हालांकि अभी इसके नेक्स्ट जो है लूप ही करने वाले हैं हम लोग, पर लूप इतना जान लीजिए कि आपका ना ये जो क्या कर रहा है, ये सिलेक्शन में जितना हमारा डेटा था उसको एक एक सेल इसको दे रहा है, ठीक है। ये जैसे A2 पहले चल के आया, सारा A2 इसने करा, फिर नेक्स्ट आर होते ही A3 हो गया वो, अब फिर ये वापस इधर से आया, फिर A3 के लिए काम किया, A4 के लिए, A5 के लिए, यही काम हर एक सेल के लिए बारी बारी से करता है, ठीक है। इनका फॉन्ट का कलर चेंज कर लो, जैसे ब्लैक फॉन्ट आ रहा है। जैसे हाँ कर सकते हैं, मतलब कि अब देखो आप ध्यान से देखना है इसमें कि आर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अभी ये सिलेक्शन हुआ इसके अंदर, इस कोड से आर के अंदर हम अभी क्या देख रहे हैं, 83 है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू। तो ये केस को हमने बोला कि आर डॉट वैल्यू पे नज़र रखो, तो इसने कहा कि केस 10 से 20 के बीच में है, तो नहीं है, 83 है, क्योंकि 21 से 30 से नहीं है, 40 45 50 55 में से नहीं है, ग्रेटर देन 70 है। तो ये आपका VB ब्लू हो गया, ठीक है, एंड सिलेक्ट। अब ये नेक्स्ट आर पे गया, जैसे ही नेक्स्ट आर हुआ वैल्यू हो गई 73 नेक्स्ट सेल वाली, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ सिलेक्शन, ग्रुप ऑफ रेंज है, ये एक एक करके दे रहा है इसको आर को। अगर मैं डायरेक्ट ही ये सिलेक्शन के ऊपर केस लगा दूं तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसे एक ही वैल्यू चाहिए एक टाइम पे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना। आर डॉट वैल्यू में हमें एक वैल्यू चाहिए, सिलेक्शन डॉट वैल्यू नहीं कर सकते अगर मल्टीपल सेल है तो। हाँ एक साथ सेट कर सकते हैं हम, सिलेक्शन डॉट वैल्यू करके 10 कर दिया तो 10 सबके लिए सेट हो जाएगा, पर अगर हम गेट करने की बात करें तो हमें लूप का ही सहारा लेना पड़ेगा, एक एक वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम कराता जा रहा है आपका, अलग अलग जिस केस का होगा वो उस केस में करता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब चलिए देख लेते हैं इफ एल्स एक बार से, फिर से देख लेते हैं इफ एल्स। अब मान लीजिए सेम काम हमने उससे करवाना है, वो जो केस दिया है उसमें करवाना। अब देखते हैं कि इफ के थ्रू कैसे लगेगा, इफ के फॉर्मूला तो थोड़े बहुत क्लियर है ना।
अगर मैं इसको इफ के थ्रू बनाने की कोशिश करता, फॉर ईच तक तो सेम है, एबीसी वन कर देता हूँ इसका नाम। सबसे पहले 10 से बीच का बनाना है, 10 से 20 का बनाना है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट का होता है जिससे ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आर डॉट वैल्यू मैंने चेक करनी है 10 से 20 के बीच में है क्या। तो मैं इफ से स्टार्ट करूँगा आर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और इसके साथ एंड का ऑपरेटर लगेगा, आर डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20, फिर देन करूँगा एंड इफ। तो अगर है तो आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर मेरा रहेगा VB येलो, ठीक है। उसके बाद क्या है 21 से 30 के बीच में, तो यहाँ चलेगा आपका एल्स इफ, जो कि इकट्ठा होता है। अबे आ गया एल्स, नहीं नहीं एल्स के साथ इफ आता है आपका, ये खाली एल्स लिखेंगे तो आ तो रहा है। एल्स के साथ ना एक इफ की कंडीशन भी दे सकते हैं हम, एल्स इफ, हाँ एल्स इफ के साथ हमें यही देना पड़ेगा। ये वाला मैं दे देता हूँ देन तक, पूरा यही इफ के पूरा जो पैरामीटर होते हैं ना ये सारे देने पड़ते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम एक और वो लगा सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था 21 से 30 है, 21 से 30 देन के बाद एल्स इफ यहाँ पे इकट्ठा आएगा। वो पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कंडीशन डिफाइंड नहीं थी, ठीक है। एल्स इफ आ गया तो एक और एल्स भी डाल सकते हैं हम ये इस तरह से। तो इसका क्या था 21 से 30 का आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB ग्रीन, ठीक है। 45 50 55 एल्स के साथ फिर से इफ लगाते हैं कि आर डॉट वैल्यू इक्वल टू 45 हो और आर डॉट वैल्यू मतलब इन तीनों में से कोई भी हो 50 हो और आर डॉट वैल्यू इक्वल टू 55 हो देन आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड और तो पता है ना हम क्यों लगा रहे हैं, कि इसमें भी कंफ्यूजन है, हैं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि केस इज ग्रेटर देन 70, तो एल्स इफ में। तो आप खुद ही देख रहे हो कि ये कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है लगाने में केस के बजाय। आर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 70 है देन आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर, इस पर मैंने क्या दिया हुआ है VB ब्लू, ठीक है। 70 के बाद हमने केस एल्स दिया है तो मतलब इसको छोड़ के कुछ भी हो तो आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB 100, ठीक है। तो ये कोड आपका चलेगा जो कि सेम काम करेगा।
ठीक है, केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, केस की आप बहुत सारी कंडीशन एक साथ लगाए जा सकते हो, इफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। अभी कंडीशन क्लियर है तो बड़ा आसान है, अभी जैसे यहाँ 45-50 कितनी सारी हो सकती है। एक सेकेंड, कनेक्शन लॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ। हाँ जी सुमित जी, हेलो, हेलो, क्या हो रहा, कब आए, हेलो, हाँ, तो ये इफ का क्लियर हुआ, कैसे कर सकते हैं इफ का यूज़। तो इफ़ और सिलेक्ट केस, मतलब जो भी आपको ज़रूरत पड़े उस टाइम उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं अभी बताता हूँ आपको जो हमारे पास है विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है, उसके लिए अभी एक दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो विद स्टेटमेंट बेसिकली आपका, जैसे मैं ये बार बार कर रहा था, आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि यहां पे मैं कर देता, जैसे ऊपर कर देता हूँ with r dot interior dot, r dot interior छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कई बार मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती है, जैसे कलर यूज़ करनी थी, कलर इंडेक्स यूज़ करनी थी, या कुछ भी यूज़ करनी थी, तो इसके लिए एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नहीं छेड़ते, चलो। सब एक्स वाई जेड, इसी रेंज को सिलेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन आ गया मेरे पास, अब मुझे करना है सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करूँगा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू,
सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीबी ब्लू। ठीक है, तो आप देख रहे हो मुझे ये सिलेक्शन डॉट फॉन्ट ये बार बार लिखना पड़ रहा है, जबकि मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है बोल्ड इटैलिक कलर। ठीक है, तो इसको अगर मैं करता हूँ, अगर इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बोल्ड इटैलिक ब्लू कर गया। ठीक है, इसको पहले सही कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक हटा देता हूँ। तो जब मुझे मल्टीपल ऐसी स्टेटमेंट लंबी लंबी यूज़ करनी होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ पहले, विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, इसके बाद ही मुझे यूज़ करना है, और यहाँ पे करूँगा एंड विद। ठीक है, अब इसके बाद मुझे करना है डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, डॉट कलर इक्वल टू वीबी ब्लू। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूँगा, एक मिनट, सिलेक्शन की स्पेलिंग गलत है भाई, हाँ ठीक है, तो ये अपना काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें लंबे लंबे कोड्स ऐसे लिखने पड़ते हैं, रेंज डॉट एक्सेल एंड अप डॉट ऑफसेट करके वहाँ तक पहुँचे, बार बार वही चलाना है, तो हम उसको विद के साथ डाल देंगे, और डॉट के बाद जितनी प्रॉपर्टी वेरिएंस होती है हम ये डॉट के साथ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, विद और एंड विद के बीच में, ये क्लियर है विद। अब देखो विद की एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अगर हम इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर की ना कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसमें देखूँ बॉर्डर में, तो आपके पास स्टाइल है, कलर है और प्रीसेट है, तो इसके बाद इसमें शेडिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास आती हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ एक मैक्रो को, उसको देखने के लिए, आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे तो विद स्टेटमेंट उसमें भी देखने को मिलेगी। मैक्रो रिकॉर्ड किया और मैंने सिंपली लगाया ऑल बॉर्डर, ठीक है, और मैक्रो को मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैक्रो में जाऊँगा और यहाँ पे मेरा मैक्रो वन के नाम से जो आ रहा है, एडिट करके देखूँगा, तो इसके अंदर आप देखोगे कि देखो सिलेक्शन डॉट बॉर्डर एक्सेल डायगनल डाउन लाइन स्टाइल नल नन, फिर डायगनल अप एक्सेल नन। तो मतलब इसने क्या किया, ऊपर नीचे की पहले लाइन को गायब किया है, ठीक है, नन कर दिया, फिर इसने विद सिलेक्ट बॉर्डर्स एज लेफ्ट, लेफ्ट वाले बॉर्डर में इसने क्या किया, बॉर्डर्स के साथ लाइन स्टाइल कंटिन्यूस कर दिया, कलर इंडेक्स 0 10 10 6 0, वेट एक्सेल मतलब कितनी मोटी पतले होने चाहिए ना बॉर्डर, तो ये विद के साथ यूज हुआ है। तो ये एक्सेल एज लेफ्ट, एक्सेल एज टॉप, बॉटम, राइट, वर्टिकल, इनसाइड वर्टिकल, इनसाइड हॉरिजेंटल, तो एक बॉर्डर लगाने के लिए इतना बड़ा कोड लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका ज़्यादा समझ आएगा कि विद का कैसे यूज हुआ है। ठीक है, आमतौर पे अगर मुझे कहीं बॉर्डर लगाना होता है ये वाला, तो मैं यही सारा कर रहा हूँ। देखो सिलेक्शन पे ही सेट है ये, है ना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे बॉर्डर लगाना है किसी सिलेक्शन पे, तो मैं बस उस सेल को सिलेक्ट कराऊंगा और वहाँ दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मैक्रो वन है, मैं इस मैक्रो का नाम बदल देता हूँ, बी ओ आर डी कर देता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन पे चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये करने के बाद मैं कह रहा हूँ बी ओ आर डी, क्योंकि सिलेक्ट तो मेरा पहले से ही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ सब कुछ,
कलर नॉर्मल, ये बोल्ड इटैलिक नहीं, नो बॉर्डर, ठीक है। अब जब वो मैक्रो चलाऊंगा मैं, मैक्रो कौन सा है, एक्स वाई जेड रन करूंगा, तो यहाँ पे बॉर्डर वॉर्डर सब लगा देगा, ठीक है। ठीक है, मैंने बस उसका नाम लिख दिया यहाँ पे जो मैक्रो रिकॉर्ड करके था, क्योंकि वो सिलेक्शन पे काम कर रहा था। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, वहाँ पे जाके ये सिलेक्शन की जगह रेंज देनी पड़ती, कि रेंज कि ए टू से ए 18 तक, इस तरह से, ठीक है, हर जगह चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो सिलेक्शन का यूज़ समझ आया, कैसे हम कब सिलेक्ट करवाते हैं और क्या। सिलेक्शन का फ़ायदा ये होता है, ये आपका कहीं भी चलेगा। अब BORD के नाम से ये मैक्रो है, यहाँ पे कर दिया सिलेक्शन पे है, मुझे पता है, रन किया BORD, यहाँ लगा दिया बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड को रिकॉर्ड करते हैं और इसको यूज करते हैं बीच बीच में, वहीं से देखते हैं। नहीं, रिलेटिव रेफरेंस नहीं, आप कोड को समझो। अगर आप कोड को समझ रहे हो तो रिलेटिव रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि सिलेक्शन पे काम कर रहा है। अगर यहाँ स्पेसिफिक उस पर रेंज की बात हो रही होती तो बात अलग थी। जैसे कि मैं कहीं पे, अब यहाँ देखना ये कैसे हो रहा है। अब दूसरा मैक्रो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैंने सिलेक्शन कुछ नहीं लिया, रिकॉर्ड मैक्रो किया, मैंने क्या किया, पहले सिलेक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ बॉर्डर डाले, फिर यहाँ बोल्ड कर दिया, एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, मैक्रो टू के नाम से आया होगा ये, एडिट में जाके कोड रिव्यू करूँगा। पहले तो देखे इसने रेंज सिलेक्ट करी है, ठीक है ना। अब आपको पता है इसने रेंज सिलेक्ट की है, फिर सिलेक्शन पे काम किया है, तो ये रेंज आप चेंज करा सकते हो, रिलेटिव रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। इसकी जगह आप अपना सिलेक्शन दे दो, बाकी तो सिलेक्शन पे काम कर ही रहा है ना, कोड को देखते जाओ बस, समझ आता जाएगा। फिर इसने क्या किया, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, सिलेक्शन डॉट फार्मूला R1C1, मतलब जो वैल्यू डाली है फार्मूला R1C1 भी सेम 12 डाली है। तो कहने का मतलब है जो काम हुआ है यहाँ से हुआ है। रिलेटिव रेफरेंस में यही होता कि आपकी एक्टिव सेल जहाँ थी, अब कितने सेल नीचे आए वो आता। पर अगर आपको पता है तो आप इस लाइन को हटा के, हटा दिया, अब हमारा यही काम किसी भी सिलेक्शन पे करेगा हमारे। हाँ, ये देखो यहाँ मैंने सिलेक्शन कर दिया और मैक्रो मैक्रो टू रन करते हैं, सेम काम किया है ना। तो रिलेटिव रेफरेंस बेसिकली कंफ्यूज करेगा आपको, आप कोड जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये उनके लिए है जिनको कोड यूज़ करना नहीं आता है। पर अगर आपको कोड देख के समझ आ रहा है हाँ कौन सा कोड किस लिए है, तो फिर तो कहीं से भी चेंज करो, है ना। अब मैं मानता हूँ कि इस लेवल पे आके आपकी कोड अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अलग अलग कोड को ना रिकॉर्ड करके देखना है और उसको समझना है कि यार इसने ये लगाया है तो क्यों लगाया है, रिलेट करना है, ठीक है, कि ये डॉट का माजरा क्या है, डॉट का मतलब क्या है। ये जा रहा है बॉर्डर के अंदर, लाइन स्टाइल्स होते हैं और लाइन स्टाइल में बॉर्डर का भी कलर होगा, बॉर्डर का ही कलर होगा, बॉर्डर का ही मतलब जो डॉट है वो उससे रिलेटेड होता है। सिलेक्शन के बॉर्डर सेक्शन में जा रहे हैं, बॉर्डर में स्पेशली क्या करना है, लाइन स्टाइल देखना है, कलर इंडेक्स देखना है, ये देखना है, वो देखना है। और जहाँ उसकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे फिर ये अलग अलग उसमें जा रहा है। देखो फॉन्ट की बात हो रही थी यहाँ तो बोल्ड में आया, इटैलिक, तो ये इससे रिलेटेड होते हैं। ये आपको कैसे पता पड़ेगा, रिकॉर्ड कर करके, एक एक ऑप्शन रिकॉर्ड कर करके देखो, ठीक है, तो आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आप कोड देखते ही पहचान लोगे हाँ यार ये इसलिए है। फार्मूला R1C1 वैल्यू फार्मूला सब एक ही है, वैल्यू टू सब सेम है, ठीक है। और खाली भी देते हो
मतलब सिलेक्शन या रेंज करके खाली इक्वल टू वैल्यू दे दोगे तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वैल्यू ही है, उसी में जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, कल हम लूप्स करेंगे। ठीक है, ओके।